ये ऑपरेटर की बातें करते हैं ऐसे ऐसे लोगों के साथ अपना दिमाग लगाना भूल जाना जो मैं बताकर जाऊँगा सिर्फ करना है सो so, दोस्तों आज हम बात करने वाले है कि आप मंथली पचास हजार रुपए कैसे कमा सकते हो आप में से बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं मगर हम डेली बेसिस पे ट्रेड नहीं कर सकते तो उसका जवाब है कि आप स्विंग ट्रेडिंग क्यों नहीं कर लेते जहां पे अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या अगर आप एक यू कैन से स्टूडेंट है या आप जॉब करते हैं तो आपको बिना स्ट्रेस के भी पैसा आ सकता है ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट से आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और आपको पूरी गाइडेंस देने वाले हैं स्ट्रेटेजी देने वाले हैं सेटअप देने वाले हैं जिससे आप पैसा कमा सके प्रॉफिट कमा सके एक स्विंग ट्रेडिंग होती है पहले ये बताता हूँ स्विंग ट्रेडिंग होती है हमें ट्रेंड कैप्चर करना है बड़ी मूवमेंट्स कैप्चर करने हैं कोई शेयर आठ रुपए से पचास रुपए हो गया है ना तो ये आठ से पचास गया ना हमें ये कैप्चर करना है हमें आठ okay. से पंद्रह नहीं जाना आठ से बीस हमें पूरा ट्रेंड कैप्चर करना है पर क्यों करनी चाहिए क्या लोग इंटरटेन नहीं कर सकते जिससे वो डेली बेसिस पे प्रॉफिट कमा सकते हैं हाँ। लोग इंस्टाग्राम पे देखते हैं रील चलती रहती और डेली बेसिस में आज अपने इतना हीरो करके पैसा कमाया लोग वो नहीं कर सकते स्विंग में क्यों फंसे ठीक है अब इसका सिंपल आंसर है, भाई, के अंदर क्या होता है ना, अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो तो ही पैसा बना सकते हो ठीक okay. है अगर आप नहीं हो, तो आप पैसा नहीं बना पाए ट्रेडर भी जो है इंट्रा okay. डे के अंदर बिना के पैसा बनता ही नहीं है okay. आपको टाइम देना ही पड़ेगा ठीक है सुबह नौ से साढ़े बैठना ही पड़ेगा ठीक है लेकिन स्विंग के अंदर ऐसा नहीं है स्विंग के अंदर आपका सिंपल है आप कुछ नहीं करते ना आपको सिर्फ सेटअप फॉलो करना है जो आज हम कर जाएंगे सिर्फ सेटअप फॉलो करना है एंट्री आई एंट्री एग्जिट आई एग्जिट कोई दिमाग नहीं लगाना कोई स्ट्रेस नहीं हाँ बस वेट करना है कोई कोई स्ट्रेस नहीं है ना हाँ स्ट्रेस नहीं है कोई हमें ये नहीं देखना कि यार अभी एंट्री आने वाली है और ये हीरो जीरो होएगा या जीरो हो जाएगा ये मेरा पेनल ग्रीन चला पीनल गया पेनल ग्रीन चला गया रेड चला गया, गया।, गया। इंटरडे के अंदर ना क्विक मूवमेंट होती है तो क्विक मूवमेंट के लिए आपको होना चाहिए क्विक हाँ एक्सपीरियंस्ड वो अगर नहीं हो और टाइम नहीं है नौ पंद्रह से तीन पंद्रह तो फिर कैसे कर सकते हो और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ना बेसिकली भाई कि अगर मार्केट के अंदर पैसा बनाना है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके हिसाब से क्या है कॉन्फिडेंस है भाई कॉन्फिडेंस है और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा पैसा बनाने से मार्केट से पैसा बनाओगे तो ही कॉन्फिडेंस आएगा किसी के सुनने से नहीं आएगा किसी के पी एंड एंडल्स जो इंस्टाग्राम पर चलते हैं रील्स में हीरो जीरो आप ऐसे सुनते होगे कि आज कास्ट मैं ये तीन रुपए की कॉल ले, ले लेता आज तीन सौ हो गई है ना आपको कॉन्फिडेंस आया नहीं नहीं आया आपका आप होल्ड कर पाओगे तीन से तीन सौ नहीं, नहीं कर पाओगे तो कॉन्फिडेंस कब आएगा जब पैसा बनाओगे और पैसा बनता है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर इजिली एज कंपैरेटिव टू इंटरडेट ट्रेडिंग तो यहाँ पर जब पैसा बनना शुरू होएगा ना जब कॉन्फिडेंस आएगा तब इनको समझ आएगा कि मार्केट से पैसा बनता है और जिस दिन कॉन्फिडेंस आ गया उस दिन ये हर जगह पैसा बनाएगी मतलब एक्स में भी क्रिप्टो में भी इंट्राडे में भी सब जगह जगह पैसा बनाएंगे क्योंकि इनके दिमाग में क्या आएगा ना कि अगर मेरा यहाँ लॉस भी हो गया कहीं और जगह पे लॉस भी हो गया तो एक बैकअप ऑप्शन है अच्छा भाई यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा कि कितना मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है अगर हमें स्वीट uh, ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो भाई देखो ऐसा ना फिक्स कैपिटल नहीं है जैसे मान लो आपके ऊपर है की आप कितना कमाना चाहते हो ठीक है आप अगर दस निकालना चाहते हो तो उसके हिसाब से मान लो महीने का आपको दस चाहिए तो लाख रुपए लगा लो अच्छा मतलब आप कह रहे हो

हम तो कुछ हाँ. दिनों के लिए कुछ हफ्तों के लिए होल्ड कर रहे हैं मतलब मान लो कोई दस से सौ गया शेयर हाँ. तो हम बीच का जो दस से बीस दस से तीस वाला जो है हिस्सा है ना वो कैप्चर कर रहे हैं जो वारंट बफेर अठारह परसेंट निकालता है वो दस से सौ कैप्चर करेगा अच्छा तो फिर आपकी जो आप बता रहे हो की आपकी कुछ स्ट्रेटेजी है हम उस स्ट्रेटजी पे आएंगे उस सेटअप पे आएंगे लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि अगर कोई बंदा स्विंग ट्रेडिंग करता है तो उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कोई भी नहीं पूछता राइट right. कि अगर स्विंग ट्रेडिंग अगर कोई बंदा कर रहा है तो क्या माइंडसेट लेकर आए वो तो माइंडसेट आपको ऐसा लेकर आना है भाई कि मेरे को रातों-रात करोड़पति नहीं बनना ठीक है मुझे आ, कम पैसा कमाना है जितना

अगर आप स्मार्ट सिट से हो गए तो बहुत पैसा कमा लोगे आपके कुछ किस्से हैं जो आपने बताया था कि आपने स्विंग ट्रेडिंग करी है या आपने ऑपरेटर्स के साथ काम किया है राएट, राएट। जिनके जिनसे यू you नो know, आपने देखा है कि यार आ, पाँच रुपए का स्टॉक बीस तीस रुपए हो गया हाँ, हाँ, कुछ बताओगे उसके बारे में चलो ठीक है भाई वो वाला किस्सा क्योंकि वहीं से आपकी स्ट्रेटेजी निकल के आएंगी ना राइट 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 तो इनको थोड़ा सा नहीं पता मेरे बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ ये ऑपरेटर की बातें करते हैं मैं ऑपरेटर के साथ बैठता हूँ अच्छा ठीक है मैं ऐसे ऐसे लोगों के साथ बैठता हूँ जिनका फंड तीन करोड़ है ठीक okay. है अब एक किस्सा सुनाता ठीक है कोविड का टाइम था हर जगह सारा गलत से गलत न्यूज आई जा रही है, है, है सारे स्टॉक गिरे हुए है वहाँ पर एक दिन हम बैठे हुए थे और हमें एक कॉल आती है ठीक अच्छा, है में. एक कॉल आती है कॉल में बोलता है भाई दस लाख क्वान्टिटी लेल स्टॉक की ठीक है टी एन पी एल स्टॉक जो है वो पेपर स्टॉक है ठीक है पेपर स्टॉक है तो हमें

ठीक है देखते हैं फिर हम बैठे हुए हैं ठीक है हम चलो देखते हैं कितना भगा देगी ठीक है तो भाई वो दो परसेंट हो गया फिर चार परसेंट हुआ फिर छह परसेंट हुआ सात परसेंट हुआ उस दिन उस स्टॉक के अंदर अपर सर्किट लगा उसको दस परसेंट का अपर सर्किट लगा तो भाई हर जगह जो न्यूज चैनल होते हैं ना न्यूज चैनल के अंदर आ गया कि पेपर स्टॉक के अंदर आई बढ़ोतरी मतलब पेपर सेक्टर के उस दिन पूरा पेपर सेक्टर चला दिया उसकी वजह से मतलब हमारे एक स्टॉक जो हमने चलाया था उसके चक्कर में उन्होंने पूरा पेपर सेक्टर चला दिया था उस दिन अच्छा मतलब कितने रुपए पे खरीदा और कहाँ तक लेके गए थे

और कुछ ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहता है तो कमा हाँ। पाएगा तो देखो भाई मैंने ना जैसे बताया कि अब एक्सपीरियंस पर्सन नहीं है जो बिगनर आ रहे हैं उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि ट्रेंड पकड़ना सीख जाए है ना तो इसलिए मैंने क्या करा है कि मिक्स ऑफ इंडिकेटर्स को हम यूज करेंगे जिसको यूज कर कर इनको ईजी हो जाएगा एक ट्रेंड पकड़ना लेकिन उससे पहले मैं भी बताना चाहता हूँ जैसे इतने स्टॉक्स है साढ़े पांच हजार से ज्यादा स्टॉक्स है हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है लिस्टेड लिस्टेड है से ज़्यादा स्टॉक है तो अब इतने ज्यादा स्टॉक के अंदर से वही वाला स्टॉक निकालना जो अपने सेटअप में है बहुत डिफिकल्ट है है ना तो उसके लिए हमने एक स्क्रीनर बना दिया है

हाँ। ये बहुत सारे लोगों ने सुना होगा हाँ। ये एस एम एम ए बात कर रहे आप हाँ वही वाली बात है लेकिन अपना जो सेटअप है ना हाँ। मतलब मैंने क्या बोला ऑपरेटर के माइंडसेट से काम करना पड़ेगा है ना तो हम जो एंट्री एग्जिट है लोग क्रॉसओवर पे एंट्री करते हैं हम नहीं करते ठीक है अब आपने बोला सिंपल मूविंग एवरेजेस क्या होती है हाँ. तो सिंपल मूविंग एवरेज होती है भाई कि जैसे 20 एसएम ए अगर हम यूज करने वाले हैं तो 20 एस एम मतलब लास्ट 20 कैंडल्स का एवरेज ओके okay. हाँ ये जो चलता है मार्केट में ट्वेंटी हाँ, फोर्टी सब जो एसम है मतलब ये कैंडल्स का एवरेज होता है ट्वेंटी okay. मतलब ट्वेंटी कैंडल का एवरेज टेन एस एम मतलब 10 का average, 40 मतलब लास्ट फोर्टी कैंडल्स का एवरेज ओके okay. तो इस तरह से ये जो इंडिकेटर्स है वो मूव करते हैं अच्छा तो मेरे बताइए इसको कहाँ लगाना है कैसे यूज़ करना है तो भाई सबसे पहले आते हैं हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ऑलरेडी सबको पता है यहाँ पर हम चार्ट देखते हैं ठीक है थीके? तो सबसे पहला हमारा जो काम है वो हमें जाना है वन डे टाइम फ्रेम पर यहाँ पर टाइम फ्रेम्स आते हैं यहाँ पर हमें वन डे टाइम फ्रेम में जाना है सेकंड थिंग इज हमें इंडिकेटर्स पे जाना है अब इंडिकेटर्स पे आपको जाकर टाइप करना है मूविंग एवरेज तो सबसे पहला जो आ रहा है सिंपल मूविंग एवरेज इज बाय स्टॉक इन बॉक्स ठीक हाँ। है इस वाले को चूज करना है इस वाले को क्यों चूज करना है इसी में एक ही में सब कुछ हो जाता है मामला ठीक अच्छा। है हमें दस दस इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं दस दस सिंपल मूविंग एवरेज लगाने की जरूरत है एक ही में बहुत सारी आ जाती है तो अब सेटिंग्स में जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद आप फर्स्ट और सेकंड को छोड़कर सारी बंद कर दो मतलब यहाँ पे जो सारी लाइनें हैं वो हट रही हैं सारी लाइने हट जाएगी हमें सिर्फ दो चाहिए हमें बाकी नहीं चाहिए दस है वैसे टोटल हमें दो चाहिए ठीक है ठीक है हमने यहाँ पर स्टाइल के अंदर हमने दो जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो चूज कर ली ठीक है अब इसका कलर भी चेंज कर दे तो ताकि हमें पता चल जाए दोनों में डिफरेंस क्या है अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है अब हमें जाना है इनपुट्स के अंदर इनपुट्स के अंदर हमने फर्स्ट और सेकेंड को चूज करा है तो हमें फर्स्ट को ट्वेंटी रहने देना है और सेकंड को हमने फिफ्टी से कर देना है फोर्टी ठीक है थीक और यहाँ कर दिया ओके okay. ठीक है हमारा काम डन अब यहाँ पर हमारा जो सेटिंग का काम था वो डन हो गया ठीक है अब हमें बात आते हैं अब मतलब हम आते हैं इंडिकेटर प्लॉट हो चुका है इंडिकेटर प्लॉट हो चुका है अब हम बात करते हैं सेटअप की कि सेटअप हाँ। क्या है हमें एंट्री कैसे लेनी है आप आप किसी मतलब जो अपना सेटअप है उसको किसी स्टॉक का एग्जांपल देते हुए समझा सकते हो हाँ भाई बिल्कुल समझाएंगे एक काम करते हैं पहले सेटअप समझाते हैं उसके बाद कुछ ऐसे स्टॉक जो इनको ऑलरेडी मतलब जो चर्चा में रहते हैं ना स्टॉक्स हाँ हा। वैसे स्टॉक्स के लेंगे ठीक है तो सबसे पहले हमें क्या करना है लोग क्या करते हैं क्रॉसओवर पे एंट्री लेते हैं वहीं बैठता है अच्छा समझाइए क्रॉस क्रॉसओवर होता क्यों क्रॉस होता क्यों है जब ट्रेंड चेंज होता है ठीक है मान लो मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है मार्केट नीचे आ रही है आ रही आ रही है लेकिन ऐसा तो नहीं है ना नीचे ही आती रहेगी ऊपर भी जाएगी वो तो जब ट्रेंड चेंज होता है तब ये क्रॉस होता है ओके okay, ठीक है, है हाँ। लेकिन क्रॉस पर हमें एंट्री ले नहीं लेनी क्योंकि ऑपरेटर को भी पता है आप एंट्री लोगे है ना तो जो सबको दिखता है वहां काम नहीं करना ठीक है।, है हमें क्या काम करना है मैं वो बताता तो हमारा सेटअप क्या है भाई जब 20 एस एम ए को क्रॉस कर देगा अब यहां पर हो गया ट्रेंड चेंज ओके okay. तो पहला पॉइंट है हमें ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड क्या है मार्केट का ठीक है जैसे ही वो क्रॉस ओवर हुआ यहाँ पर हो गया अब ट्रेंड ठीक है मार्केट अब यहाँ से ऊपर जा रही है यहाँ पे crossover हुआ, crossover पे लेनी है ठेके? हमें एंट्री कब लेनी है हमें ठीक है यहाँ पर है, okay. यहाँ पास में आई हमें यहाँ पर एंट्री लेनी है अब इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन क्या होगा एग्जिट कहां करना है एंट्री तो ले ली एक्ट कहा है मैं दोनों तरीके बताता हूँ एक जो है उसके अंदर थोड़ा हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाता okay. है एक के अंदर बड़ा स्टॉप लॉस है उसको बताने से पहले लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहूंगा मतलब ऑलरेडी लोगों को दिख भी रही होगी कि यहाँ पे पहले मार्केट नीचे गिर रही थी इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर फिर ऊपर जैसे ही क्रॉस ओवर आया तो ऊपर गई अब शायद वहां पे रिटेलर्स ने एंट्री बनाना शुरू कर दिया और जिनको नहीं पता रिटेलर्स मतलब वो लोग जो की अभी मार्केट में बिल्कुल शुरुआत ही कर रहे हैं या यू you नो know, ऐसे लोग हैं जो न्यू है एक्सपीरियंस नहीं है, नहीं है। और मार्केट में पैसा वही बनाते हैं मतलब रिटेलर्स को पागल बना के पैसा बनता है तो जब यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ रिटेलर्स ने एंट्री करी तो पूरा स्टॉक गिरा दिया राइट right. और फिर भाई का बता रहे हैं जैसे हाँ, कि सेटअप आया फिर हाँ, है जो इनकी एग्जिट होगी वो हमारी एंट्री है <laughs> ठीक है मतलब इनका जो स्टॉप लॉस है वो हमारी एंट्री है ऑपरेटर ऐसे ही सोचता है हुँ. इनका जहाँ पर स्टॉप लॉस होता है ना वो वहाँ पे मार्केट लाता है यार इतना एक्यूरेट कोई कैसे हो सकता है मतलब मैंने मान लो अगर एक अपने वो लो लोग बोलते हैं ना मेरा स्टॉप लॉस खाकर ही ऊपर चली जाती है मार्केट वो क्यों होता है इतना एक्यूरेट कोई कैसे हो सकता है वो इसलिए हो सकता है क्योंकि उनके पास डेटा है सारा उनको पता है आप कहाँ एंटर हुए हो ठीक है उनको पता है आप और ये जो बताते हैं कि आपका एंट्री कहाँ आपका स्टॉप लॉस कहा आपके ब्रोकर ही होते हैं सबसे बड़े ऑपरेटर आपके ब्रोकर ही है ये सच है और जो की आपको कोई नहीं बताएगा कोई नहीं बताया जितने भी बड़े बड़े ब्रोकर है हाँ तो नाम लेना नहीं चाहूंगा लेकिन आप समझ गए एक ब्रोकर के साथ तो मैंने बैठा हूँ और मैन्यूपलेट करते हुए देखा है <laughs> उसका अपने कस्टमर्स <laughs> <customers> का स्टॉप <वो laughs> बिल्कुल, बिल्कुल और मैं बोल रहा ना कि मैं अगर बोलता हूँ तो मैं हाँ। देखिए चीजें जब भी बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हाँ। हैं वो बोलते हैं कि हम आ, सिस्टम में स्टॉप लॉस कभी नहीं मेंस भी डिफरेंट होता है

ओके okay. मतलब जब तक ये 20 चेंज ना हो जब ट्रेंड, जब तक ट्रेंड तक चेंज हो जाए तब तक आपको ट्रेंड में बने रहना है तो मतलब यहां पर आया पास में यहां पर हमारा हमने यहां पर एंट्री करी ठीक है आसपास अब जब ट्रेंड चेंज हो रहा है यहाँ पर हमारी एग्जिट हो गई तो ये हमारी एग्जिट कितने पे हुई वन

लास्ट थ्री कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस है ओके okay. ठीक है यानी कि यहाँ पर एंट्री हुई हाँ. तो लास्ट थ्री कैंडल कौन सी है एक दो तीन तो ये आपका लो जो है हमारा स्टॉप लॉस हो गया वन थ्री सिक्स जीरो स्टॉप लॉस हो गया हल्का सा नीचे कर देना

दस परसेंट कैपिटल डालो मतलब आप कह रहे हो कि एक लाख रुपए पे दस परसेंट दस हजार रुपए लगाए है राइट right. फिर मत... रिटर्न भी तो कम ही मिलेगा मैं बोल रहा हूं कि दस स्टॉक खरीदो ना अच्छा है ना? ठीक है हमें एक स्टॉक थोड़ी ना खरीदना है हमें दस स्टॉक खरीदना है अब दस स्टॉक खरीदने का जो साइकोलॉजी है वो क्या है दस में से क्या सारे लॉस में जाएंगे नहीं, नहीं 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 जाएगी ना लेकिन जो चलेगा वो ऐसा चलेगा कि एक ही स्टॉक पूरा ले जाएगा सारा जितना लॉस हुआ है सब कुछ कवर कर देगा तो भाई अगर आपकी जो स्ट्रेटेजी है रेली में वर्क करती है तो वो एग्जाम्पल दिखा सकते हो स्टॉक्स के चलो सुजलॉन में दिखा देते हैं तो सुजलोन पर आते हैं और देखते हैं हमारा सेटअप यहाँ पर कहाँ बना था और कितने प्राइस पे बना था देखो भाई तो यहाँ पर जो है मार्केट बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं दे रही थी सुजलोन के अंदर ठीक है यहाँ पर मार्केट आई ट्वेंटी ऐसे मैंने फोर्टी को क्रॉस करा इसको थोड़ा सा हम जूम वे भी कर देते हैं तो मार्केट ने ट्वेंटी फोर्टी को क्रॉ कर ठीक है क्रॉस करने के बाद वो हल्का से नीचे आएगी ठीक यह है यहाँ पर हमारी बन गई एंट्री ठीक है यहाँ पर हमारी एंट्री कितने बनी है आठ रुपए पच्चीस पैसे

मतलब आठ रुपये से थर्टी एट रुपए कितना परसेंट रिटर्न हो गया ये ऑलमोस्ट हो गया भाई पैसा चार गुना चार गुना हुँ। हुँ। लेकिन यार ये तो आप जो बता रहे हो लोग बोलेंगे ये तो हर बंदा जब मार्केट चिल्ली जाती है ऊपर तभी बता पाता है कुछ और एग्जाम्पल देखिए दिखाओ चलो ठीक है भाई एक और स्टॉक बताओ कौन सा बताओ अभी जो मार्केट में अच्छा चला था वो था, रोड चलो डिक्सन के एग्जाम्पल पे बात करते हैं ठीक है, है? काफी टाइम से गिर रहा था पर को क्रॉस करा क्रॉस करने के बाद हमें वेट करना है वो पास आएगा यहाँ पर पास आया वो इस जगह पर ठीक है इस जगह पर अब हमें वेट करना है क्रॉस ओवर का टू नाइन में दो हजार तीन हजार के आसपास था हमें वेट करना है क्रॉस ओवर का ठीक है क्रॉस ओवर होता है यहाँ पर और इस टाइम पर जो प्राइस था वो ऑलमोस्ट था फोर वन सेवन फोर मतलब हजार रुपए तक कमा सकते थे ग्यारह सौ रुपए हम कमा सकते थे ये कितना परसेंट होता है वो देख लेते हैं ठीक है यहाँ से हमारे को फोर्टी सिक्स परसेंट पर होगा हमने डेज दो तीन महीने के अंदर हमें अगर मिल रहा तो मोर देन अच्छा भाई ये तो आप बता रहे हो कि स्टॉक मतलब दिखा रहे हो एग्जाम्पल लेकिन ये भी बताओ कि ये लोग कैसे स्टॉक ढूंढ सकते हैं भी सबसे भी बड़ी, बड़ी प्रॉब्लम इनकी वही आती है वही इनको नहीं पता चलेगा कि यार इतने सारे स्टॉक है क्रॉस क्रॉसओवर ढूंढते ढूंढते ही क्रॉसओवर निकल जाएगा उसके लिए मतलब इनको कुछ नहीं करना उसपे करना है सब बता देगा एक बटन क्लिक करना है बटन क्लिक करते ही सारे स्टॉक आ जाएगी जिसमें क्रॉस ओवर है।, है अब इनको चूज करना है मेरी स्ट्रेटी अकॉर्डिंग की कौन सा ट्वेंटी के पास आ रहा है जिसमें मैं एंट्री ले सकता हूँ जिसमें ले सकता साढ़े पांच हजार स्टॉक में से कुछ सौ स्टॉक रह जाएगी ओके okay. है ना तो इतना फिल्टर हो गया भाई और क्या चाहिए? तो भाई हाँ। अब हम आ आए स्क्रीन के ऊपर ये चार्टिंग प्लेटफॉर्म है यहाँ पर मैंने एक स्क्रीनर बनाया ठीक है अब स्क्रीनर के अंदर ऑटोमेटिकली रन स्कैन का ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर है ना लेकिन मैं आप सभी को बता दू ये जो स्क्रीनर है आपको मिल जाएगा आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे आपको जो स्क्रीनर है हम प्रोवाइड करें क्योंकि मेड है तो भाई को

रन स्कैन करने के बाद आपको यहाँ पर स्टॉक की लिस्ट आ गई ऑटोमेटिकली। अब ये वो सारे स्टॉक है साढ़े पांच हजार में से है। Allah, जो हमने फिल्टर, कर है, बिल्कुल फिल्टर कर है। करना है पंद्रह स्टॉक आ गए है। अब इनको पंद्रह स्टॉक जो चार्ट बजा जाकर देखना है कि अपनी स्ट्रेटजी में कौन सा रहा है अच्छा चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे एक स्टॉक है पोली कैप करके चलो पॉली कैप उसका एग्जांपल दिखा दो जैसे इनको लगे कि हम जो बातें कर रहे हैं वो हवा में नहीं कर रहे हैं हवा में नहीं कर रहे चलो देख लेते हैं अब देखो पॉली कैब में क्रॉस ओवर आपके सामने क्रॉस ओवर आ चुका है बिल्कुल क्रॉस ओवर, ओवर आ चुका है क्रॉस ओवर आ चुका है हो चुका है क्रॉस ओवर अब यहाँ पर हमें वेट करना है पेशेंटली हमें बैठना है देखना है जो पॉली कैब है वो थोड़ा सा और ऊपर जाएगा थोड़ी डिप आएगी डिप आएगी जब लोग का स्टॉप लॉस हिट होगा वहां पर हमें एंट्री लेनी है लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं जब हमें यहाँ पे मिल जाए क्रॉस ओवर हो रहा है हाँ। हम इनको सेव करके रख सकते हैं सेव करके रख लो बना लो बना लो लिस्ट 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 बना बना डेली बेसिस हाँ। पे देखते रहो उसके अंदर आपको ये होगा कि हमने पंद्रह स्टॉक में से भी वो स्टॉक सेलेक्ट कर लिया जिसके अंदर क्रॉस ओवर हमारे आंखों के सामने है हाँ। अब हमें साढ़े पांच हजार स्टॉक से कोई मतलब नहीं है हमें सिर्फ पंद्रह स्टॉक देखने अच्छा तो यहाँ पे क्रॉस हो चुका है अब हो सकता है कि जैसे अभी मार्केट गिरा था हाँ तो अब ऊपर बहुत ऊपर जाए और आपका प्रॉफिट बना के दे दे प्रॉफिट बना कर दे दे अच्छा भाई क्या ये जो सेम सेटअप है आपका क्या वो लिए भी यूज हो सकता है बिल्कुल भाई अच्छा इसके अंदर कुछ नहीं मैं आपको बताता हूँ इंटर स्विंग हो या फिर लॉन्ग टर्म हो सब में यूज हो सकता मतलब है मतलब इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग के लिए भी यूज हो सकता है इन्वेस्टिंग के लिए भी यूज हो सकता है अच्छा चलो पहले मेरे को बताओ इंटर इंट्राडे में कैसे यूज हो सकता इंट्राडे इंट्राडे है इंट्राडे के अंदर कुछ नहीं करना आपको टाइम फ्रेम पर डेली है डेली टाइम फ्रेम है है इसकी जगह मिनट कर दो अच्छा एवरीथिंग इज सेम के पास आएगा ठीक और वहां पर जो आपका लास्ट थ्री कैंडल का स्टॉप लॉस होगा एंट्री के जो लास्ट थ्री कैंडल होगा वो स्टॉप लॉस होगा एक्जिट भी वही है पे है अच्छा भाई अब तो आई थिंक मेरे को लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से ये पर्टिकुलरली सेटअप से पैसा कमाना है राइट भाई लेकिन मैं जादे जादे ना आपसे पूछना चाहूंगा यार कि अगर आप कुछ टिप्स दे पाए न्यूबी ट्रेडर को जिससे यार हाँ। वो स्टॉक मार्केट में देर तक टिक पाए क्योंकि यहाँ पे क्या होता है मार्केट में ना लोग टिक नहीं पाते राइट भाई वो क्या करते हैं मैंने जो मोस्टली सुना है कि यार मैक्सिमम लोग तीन महीने के अंदर हार मान के चले जाए तो आप उनको क्या सलाह देना चाहोगे प्लीज बताइए तो भाई मैं आज इनको ऐसी पाँच टिप बताने वाला हूँ मतलब अगर ये फॉलो कर ली तो पहली बात तो ये लॉस नहीं करेगी दूसरी बात ये सक्सेसफुल ट्रेडर भी बन जाएगी तो पहला पॉइंट है आप कोर्सेज के चक्कर में मत पढ़ो ठीक है कोर्सेज जो सेलर्स है उन चक्कर में मत पढ़ो फेक कोर्सेज के चक्कर में मत पढ़ो अपना एक राइट मेंटर ढूंढो जिस सच में ट्रेडिंग से पैसा कमाता हो जिसके पास एक्सपीरियंस हो ट्रेडिंग का ट्रेडिंग का नहीं ठीक <laughs> है दूसरा है टिप्स एडवाइसरी से दूर हो आपको आप टिप्स एडवाइजरी से कभी पैसा बना ही नहीं पाओगे आपने किसी की टिप फॉलो करी लेकिन आपको नहीं पता वो एग्जिट कैसे करना है कब करना है आप उसका स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करोगे जस्ट बिकॉज आपको लगेगा यार इसकी टिप तो अच्छी होती है आज तो बड़ा पैसा कमा लूंगा मैं स्टॉप लॉस को होल्ड नहीं करता मैं लॉस को होल्ड करूंगा जस्ट बिकॉज मुझे पता है कि इसका जो सिग्नल्स होते हैं वो अच्छे होते हैं इस चक्कर में आप टिप्स एडवाइजरी में बड़ा लॉस कर जाओगे तो तीसरा जो पॉइंट है वो है बी आर डिसिप्लिन ट्रेडर बीआर डिसिप्लिन ट्रेडर का मतलब क्या है कि आप डिसिप्लिन से ट्रेड करो आप सिर्फ एक सेटअप को फॉलो करो आप ओवर ट्रेडिंग मत करो जैसे आज मैंने एक सेटअप सिखाया इस को अगर आपने फॉलो कर लिया आपने ये नहीं सोचा यार तीन कैंडल बोला था चलो चार का स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ या फिर पांच का स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ या फिर आपने मैंने बोला था कि भाई कॉस ओवर पर एग्जिट करना आपने अपनी कोई रूल बना लिया तो सेटअप को फॉलो करो सेटअप के अंदर जो रूल्स है उसको डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करो ठीक है अपना दिमाग मत चलाओ उससे आपकी ओवर ट्रेडिंग बचेगी तो फोर्थ पॉइंट है डोंट डू स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग से दूर रहो स्कैल्पिंग आपके लिए नहीं बनी है आप तब तक नहीं बनी है जब तक आप एक्सपीरियंस पर्सन नहीं हो जाते या फिर आपके पास बड़ी कैपिटल है बड़ी कैपिटल को भी जीरो करके कर जाओगे अगर कर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ठीक है तो स्कैल्पिंग से दूर हो जब तक एक्सपीरियंस नहीं आ जाता जब तक आप नॉर्मल आपको ट्रेंड प्लेयर बनना है आपको ट्रेंड कैप्चर करना है या तो इंटरडे हो इंटरडे के अंदर भी ट्रेंड कैप्चर करना है स्विंग हो उसके अंदर भी ट्रेंड कैप्चर करना है आपको ट्रेंड प्लेयर बनना है आपको दस दस चंदीगिरी नहीं करनी चंदीगिरी करोगे तो पैसा छोटा ही बनेगा आप कभी पैसा बड़ा बना ही नहीं पाओगे ठीक है तो स्कैल्पिंग से दूर रहो ट्रेंड प्लेयर बनो ठीक है और फिफ्थ पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डू नॉट ट्रेड मैं जब भी बोलता हूँ ना लोगों को डू नॉट ट्रेड वो बोलते यार इतना समझा कर चला गया बाद में बोल रहे डू नॉट ट्रेड पहले ट्रेडिंग मत करें तो इसका मतलब ये होता है भाई कि आपको जो सच असल में मार्केट समझ आएगी वो ट्रेड ना कर आएगी जब आप ट्रेड के अंदर होते हो तो आपको एक ही चीज दिखती है पी एन सारी स्ट्रेटेजी सारा सेटअप सब भूल जाओगे चार्ट दिखना बंद हो जाएगा चार्ट बंद हो जाएगा ट्रेडिंग भी आपको दिखेगा ही नहीं सारे ब्रोकर क्रैश हो जाएगी उस टाइम आपका सिर्फ आपका पी एंडल दिख रहा होगा कि हज़ार रुपये के दो हज़ार रुपये आ रहे हैं पाँच हज़ार आ रहे हैं या फिर दस हज़ार रुपये जा रहे हैं आपका सारे आप सारे आप सब सब सेटअप भूल जाओगे सारा डिसिप्लिन भूल जाओगे उस टाइम आएगा इमोशंस ठीक है तो इससे बचना है तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रेड कर करना सीखो आप बिना ट्रेड करें एक महीना लगातार आप सिर्फ कंप्यूटर को देखो चार्ट्स को देखो आप पेपर ट्रेडिंग कर लो चाहे लेकिन आप ट्र, रियल ट्रेडिंग मत करो ठीक है आप मार्केट को ऑब्जर्व करो मार्केट को आप जितना ट्रेड ना करके ऑब्जर्व करोगे उतना आप कभी ट्रेड के अंदर कर ही नहीं सकते क्योंकि जब आपने ट्रेड नहीं लिया ना तो आपके सारे सेंसेस आपके काम में होएंगे काबू में होगा जो वो चीज़ सीखने को मिलेगी ना एक महीना वही आप को अगले पूरे आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर आपकी हेल्प करने वाले पैसा बनाने में